हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम फंक्शनिंग में टेम्परेचर एंड पीएच का क्या इफेक्ट होता है तो एंजाइम्स क्या होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं ये टॉपिक हमने ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिया है आप इसको जाके देख सकते हो सो अस स्टार्ट विथ टेम्परेचर स्क्रीन पर आप जो ग्राफ देख रहे हो यहाँ x एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को एंड y एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन को तो ये ग्राफ शो कर रहा है कैसे एक एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन टेम्परेचर के साथ चेंज होता है तो अब यहाँ पे आप देखो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ कर्व है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है हायर टेम्परेचर जनरली मॉलिकल्स के बीच के कोलिजन्स को इंक्रीज करता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होते हैं वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा कॉलेजेंस की वजह से सबस्ट्रेट का एंजाइम के एक्टिव साइट पे कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं एनहेंस रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है बट आफ्टर 37 सेवन डिग्री सेंटीग्रेड रेट ऑफ रिएक्शन रैपिडली स्लो होने लगता है बिकॉज हाई टेम्परेचर में प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं एंड एज वी नो कि मोस्ट ऑफ़ द एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं हाई टेम्परेचर के वजह से एंजाइम में हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं जिसकी वजह से एंजाइम का शेप भी डिसरप्ट होने लगता है अगर एंजाइम के शेप में ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो फिर एंजाइम सब्सट्रेट से बाइंड नहीं हो पाता है एंड रिएक्शंस को कैटालाइज नहीं कर पाता है एंड इस पॉइंट में हम बोलते हैं कि एंजाइम का डीनेचुरेशन हो चुका है सो so, इस केस में एंजाइम डीनेचर्ड हो रहा है अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में एंड इस पॉइंट में एंजाइम में होने वाले डैमेज पर्मानेंट हो जाता है तो अगर यहाँ आप टेम्परेचर वापस से कम भी करेंगे तो भी एंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे बिकॉज एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो पर्मानेंटली डिस्टर्ब हो चुका है अब हम देखते हैं व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ये वो टेम्परेचर है जहां पे किसी भी एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट होता है इस ग्राफ में आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सो so, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ दिस एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड अब जो सेकेंड फैक्टर है जो एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करता है वो है पीएच पीएच एसिडिटी का मेजरमेंट होता है ग्राफ में आप देख सकते हो कि अगर पी बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है ठीक के वो ब्रेक हो जाते हैं एंड एक्टिव साइट अपना शेप चेंज करने लगता है इनिशियली एंजाइम में स्लाइट चेंजेस आते हैं बट स्टिल उसमें फिट हो जाता बट बहुत अच्छे तरीके से नहीं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करता है बट कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करता है तो ग्रेजुअली जैसे ही पीएच एच इंक्रीज होता रहता है एक्टिव साइट में चेंजेस भी बढ़ जाते हैं एंड फाइनली सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाता है एंड इस पॉइंट में वी से दैट द एंजाइम हैज़ बीन डीनेचर्ड अब एंजाइम का यहाँ पे डीनेचुरेशन हो चुका है सो पी एच जहाँ पे एंजाइम सबसे अच्छे से वॉक करता है दैट इज़ ऑप्टिमम पी तो इस पॉइंट में रेट ऑफ रिएक्शन हाइएस्ट होता है ठीक उसी तरीके से जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन हाइएस्ट होता है सिमिलरली ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हाइएस्ट होता है तो ऑप्टिमम पीएच किसी भी एंजाइम का डिपेंड करता है उस एंजाइम के वर्किंग साइड पर दैट मीन्स किस पार्ट पे वो एक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के मैक्सिमम एंजाइम्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं न्यूट्रल पीएच के अराउंड दैट इज पीएच सिक्स टू सेवन के अराउंड जैसा कि इस ग्राफ में भी आपको दिख रहा है बट वो एंजाइम्स जो हमारे स्टमक में वर्क करते हैं उनका ऑप्टिमम पीएच होता है अराउंड टू बिकॉज उनको स्टमक के एसिडिक एन्वायरमेंट में फंक्शन करना होता है तो जैसे ही हम पीएच को ऑप्टिमम रेंज के बाहर ले जाएंगे चाहे वो नीचे हो या फिर ऊपर तो ये क्या करेगा इंजाइम एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वैल्यूएबल कॉन्टेंट्स